जैसा कि आप लोगों ने जो फर्स्ट डे फर्स्ट हाफ में चर्चा शुरू किया था, जिंदा रहना और जीना, उसी को एक्सटेंड किया है, उसी को थोड़ा और फैला के देखा है किस तरह से अधूरापन है और कैसे उस गैप को भर सकते हैं। अभी जैसे आगे चलेंगे तो और उसकी क्लैरिटी बनेगी। जैसे सुबह हमने चर्चा किया पेट्रोल को लेकर, तो क्या मिल गया ऐसा? तो अच्छा, उनको तो प्रॉब्लम भी नहीं थी। यदि वहाँ देखे हैं तो वो प्रॉब्लम भी हमारे सामने नहीं थी। वो तो नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर दिया, अभी आदमी खरीदता है तो उसका क्या मतलब होता है। लेकिन यदि खरीदने का ही मीनिंग समझ में आया तो उससे हमको कितना सुकून महसूस होता है। इसका मतलब समझना, व्यवस्था को समझना अपने आप में कोई सुखदायी काम है। और पूरी व्यवस्था कैसे है? नियम से है। यदि नियम पकड़ में आ गया तो हमारे पास सॉल्यूशन होता है। तो हमको फिर ये नहीं रहता कि ये प्रॉब्लम आएगी तो मेरे पास सॉल्यूशन हो, ये प्रॉब्लम आएगी तो ये सॉल्यूशन हो। कुछ भी प्रॉब्लम आए, जैसे आप कुछ भी पूछो, हमको थोड़ी लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लोगे। कुछ भी पूछोगे कहाँ से पूछोगे? यदि एक टीचर को मैथमेटिक्स आता है तो बच्चा कुछ भी पूछेगा तो क्या पूछेगा? मैथमेटिक्स में से ही पूछेगा, बता दो। वो स्टेट ऑफ माइंड सुख जो बाहर से मेरे को लगता है कि इस पर और क्लैरिटी बन जाए। पांचों इंद्रियों से जो अनुकूल संवेदना मिलती है और जो प्रतिकूल संवेदना मिलती है, इसको हमने सुख दुख के रूप में पहचाना है। यदि सही अर्थों में कहा जाए तो अभी अनुकूलता प्रतिकूलता को सुख दुख के रूप में पहचाना है। अनुकूलता झंझट हो गया, हिंदी बहुत झंझट। अनुकूलता क्या है? फेवरेबल और अनफेवरेबल। जो शरीर के लिए फेवरेबल है, अच्छा लगता है, तो जो शरीर के लिए अच्छा लगना है सूंघने से, छूने से, चखने से, पांचों इंद्रियों से, तो शरीर के लिए अच्छे लगने वाले भाग को हमने सुख माना है और जो अच्छा नहीं लगता है उसको हमने दुख माना है। किसी आदमी की शक्ल ही हमको अच्छे नहीं लगते, उसमें पति पत्नी में दूसरे को नहीं देखना। प्रतिकूलता है ये बदलती रहेगी, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है, अभी खरीदने को लेके हमने जो चर्चा किया वो यदि हमको समझ में आ गई तो हमेशा वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं बदलना है। बल्कि हर वस्तु के प्रति हमारा कृतज्ञता का भाव, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी सदुपयोगिता, ये अपने में स्थिर होने से मैं एक लेवल अप हो जाता हूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक की चर्चा में हमारी क्लैरिटी बनी कि मानव केवल शरीर नहीं है, मानव में, तो अब तक की चर्चा में हमने पहचाना कि बेसिकली मानव को देखें तो मानव की दो प्रकार की आवश्यकता है, एक भौतिक है और एक भाव है। भौतिक आवश्यकता शरीर के लिए है और भाव की आवश्यकता मन के लिए है। मन शब्द छोटा पड़ता है उस बात को बोलने के लिए जिसको बोला जा रहा है। इसलिए मैं जीना चाहता हूँ कि मरना चाहता हूँ, तो मैं जीना चाहता हूँ। और शरीर जीना चाहता है कि मैं जीना चाहता हूँ? हाँ, तो शरीर कुछ चाहता वाता नहीं है, धीरे से इसको चर्चा करेंगे। तो मैं जीना चाहता हूं, इसलिए मेरा नाम जीवन है, मेरा नाम जीवन है। शरीर मेल या फीमेल होता है, मैं जीवन हूं, मैं शरीर को चलाता हूं, मैं शरीर को चलाता हूं। और मैं शरीर को भोगता हूं, और मैं निरंतर सुख चाहता हूं, मैं समाधान पूर्वक सुखी होता हूं, ऐसी मेरी कहानी। मैं मेल है कि फीमेल है? मैं मेल है कि फीमेल है? कैसे पहचाने कि मेल फीमेल नहीं है? हो सकता है फीमेल में फीमेल मैं होता हूं, मैं में मेल में मेल होता हो, कैसे पहचाने?
होते हैं तो दोनों की आवश्यकताएं अलग-अलग दिखती है, मतलब भौतिक आवश्यकताएं, लेकिन हम जीवन की बात करें तो वो सम्मान या जो भी मतलब है विश्वास, तो दोनों में एक जैसी ही मतलब हाँ, तो ये चर्चा कर सकते हैं कि सम्मान की आवश्यकता महिलाओं को ज्यादा है कि पुरुष को ज्यादा है, सबको है विश्वास की। जीवन को समझेगा वो पहले। हाँ जी, तो इससे इस बात में हमारा ध्यान चला गया कि जितना भी भाव पक्ष है और जितनी भी भाव पक्ष की आवश्यकता है उसमें मेल फीमेल का कोई डिफरेंशिएशन नहीं। से पहले कौन समझेगा, फीमेल समझेगा कि मेल समझेगा, तो जो ध्यान देगा वो समझेगा। तो इस तरह से विश्वास की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, समझ की आवश्यकता, स्वाभिमान की आवश्यकता, भय से मुक्ति, असुरक्षा से मुक्ति, है ना, तमाम तरह की जितनी भी ऐसी बातें बोलेंगे वो स्त्री पुरुष का उसमें कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ बहुत क्लियरली जो मूल बात क्या बोल रहे हैं, बेसिकली मैं हूँ और मैं शरीर को चलाता हूँ, शरीर को भोगने वाला भी मैं ही हूँ। इंद्रियों से हमने अभी मान लो चाय पिया, चाय पिया तो मुझको क्या मिला और शरीर को क्या मिला, है ना? तो शरीर को पोषण मिला, स्वाद मुझको मिला। तो चाय का स्वाद लेने वाला, खाने का स्वाद लेने वाला, सुगंध का स्वाद लेने वाला, ये सब कुछ मैं ही हूँ। शरीर को चीज को जीभ स्वाद लेती है कि मैं स्वाद लेता, मैं स्वाद लेता हूँ। तो ऐसा करते हैं, हाँ ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि अब ये समझ में आ गया कि मैं और शरीर दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, मैं और शरीर दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, दोनों में कितने अंतर आप लिख सकते हैं एक बार लिखिए, ताकि मैं और शरीर, मैं और जीवन, मैं जीवन हूँ, एक मेल या फीमेल शरीर को चलाता हूँ, तो जीवन और मैं, जीवन और शरीर, या मैं और शरीर कैसे नेचुरली अलग अलग हैं, इसमें कितने नेचुरल डिफरेंस हैं, एक बार उनको लिखने की कोशिश करें। आप कैसे पहचान सकते हैं कि मैं एक अलग एंटिटी हूँ और शरीर एक अलग एंटिटी है, इन दोनों को हम कैसे पहचान सकते हैं? शरीर में थकान होती है और मन में भी थकान होती है, सब बोलते हैं। शरीर की थकान नेचुरल है, मन की थकान समाधान का ना होना ही मानसिक थकान। तो दोनों को हमने पहचाना, तो शरीर का थकना नेचुरल है, मन का थकना हमको स्वीकार नहीं है। तो यहाँ थकान हमको स्वीकार है क्योंकि बेसिकली फिजिकल केमिकल रियलिटी है, इसलिए उसमें आराम करने की आवश्यकता है। यहाँ थकान का मतलब सॉल्यूशन का ना होना, सॉल्यूशन का ना होना, समाधान का ना होना मानसिक थकान। हाँ जी, शरीर को सर्वाइव करने के लिए फिजिकल थिंग्स की जरूरत होती है, शरीर की आवश्यकता भौतिक है, हालांकि वो पहले लिख दिया है, और इधर की आवश्यकता ज्ञान है, समाधान है, भाव है। शरीर जो होता है वो समय के साथ चेंज होता है, शरीर जो है वो परिवर्तनशील है। हाँ, और भाव परिवर्तनशील नहीं है, भाव जो है रिश्ते शाश्वत होते हैं। रिश्ते शाश्वत होने का क्या मतलब है? ऐसे प्रिंसिपल का एक पद है, सेम प्रिंसिपल नहीं रहेगा लेकिन कोई ना कोई प्रिंसिपल स्कूल में पिछले 150 साल से रहेगा, तो प्रिंसिपल का पद शाश्वत है। वैसे ही पति पत्नी संबंध शाश्वत है, पति पत्नी संबंध शाश्वत है, भाई बहन संबंध शाश्वत है, माता पिता और बच्चों का संबंध शाश्वत है, गुरु शिष्य संबंध शाश्वत है। और संबंध का मतलब यह है कि संबंध में अपेक्षाएं भी शाश्वत है।
तो एक पति पत्नी से क्या अपेक्षा करेगी और एक पति पत्नी से क्या अपेक्षा करेगा, बच्चे माँ बाप से क्या अपेक्षा करेंगे, माँ बाप बच्चों से क्या अपेक्षा करेंगे, गुरु शिष्य से क्या अपेक्षा करेगा, शिष्य गुरु से क्या अपेक्षा करेगा, है ना। तो ये सारी अपेक्षाएं भी निश्चित हैं, इनका भी एक निश्चित स्वरूप है। यदि इनका कोई निश्चित स्वरूप होगा तो उनको पहचान के निश्चितता के साथ में जिया जा सकता है, नहीं तो कोई कुछ भी अपेक्षा कर देगा और हमको पता ही नहीं है और वो दुखी हो रहा है और परेशान हो रहा है ना, ऐसा चलता रहेगा। इसका मतलब है कि पति पत्नी एक निश्चित संबंध है, उसमें निश्चित अपेक्षाएं हैं। भाई बहन एक निश्चित संबंध है, उसका निश्चित कोई पर्पस है। तो पति पत्नी संबंध का पर्पस भी यूनिवर्सल है, भाई बहन संबंध का पर्पस भी यूनिवर्सल है, माँ बाप और बच्चों का संबंध भी यूनिवर्सल है। तो यह सारे संबंध उसी तरह से जिस तरह से आम का होना, नीम का होना, लोहे का होना, ये धरती का होना, सोलर सिस्टम का होना, गैलेक्सी का होना, ये अपने आप में शाश्वत है, ये भी कोई अपने आप में व्यवस्था है। उसी तरह से परिवार भी एक व्यवस्था है, समाज भी एक व्यवस्था है ना। क्योंकि बाकी मानव के अलावा बाकी जितनी सारी व्यवस्थाएं हैं वो प्रकृति विधि से हैं, वो ऑटोनोमस हैं, वो बाई नेचर हैं, और मानव में उसी व्यवस्था को समझ के आना है। इसलिए मानव की चर्चा करते हुए हमने चर्चा किया था कि पदार्थ अवस्था मात्रा विधि से अपने निश्चित आचरण के साथ हैं, पेड़ पौधे बीज विधि से अपने आचरण के साथ हैं, पशु पक्षी वंश विधि से अपने आचरण के साथ हैं, और मानव संस्कार विधि से अपने आचरण को पाता है, मानव समझ पूर्वक अपने आचरण को पाता है। इसलिए मानव का भी जिस तरह से आम का, नीम का, लोहे का एक नेचुरल बिहेवियर है क्योंकि वो नेचुरल एंटिटी है, उसी तरह से मानव भी नेचुरल एंटिटी है, इसलिए उसका भी एक नेचुरल बिहेवियर है। जो नेचुरल बिहेवियर है ही, है ना, वो नेचुरल बिहेवियर किसने बनाया, हिंदू ने बनाया, मुस्लिम बनाया, जैन ने बनाया, बौद्ध ने बनाया, वो नेचर में है ही। जो नेचुरल बिहेवियर है ही उसको मेरे को संस्कार पूर्वक समझ पूर्वक पहचानना है। उसी नेचुरल बिहेवियर को पहचानने के तमाम प्रयास अलग अलग तरीकों से आज तक हुए हैं, ये भी एक प्रयास है। देखते हैं कि हम कैसा पहचान पाते हैं। इसका मतलब जो बात मैंने शुरू में कही थी कि अस्तित्व किसी नियम के साथ है, मानव में समझने की असीम क्षमता है, मानव के समझने की असीम क्षमता को क्षमता पूर्वक उस नियम को पहचान लेना ही ज्ञान है, और ये दो चीजें शाश्वत है। इसमें कोई धर्म, जाति, देश, ये कोई लेन देन नहीं है, है ना। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि जिस तरह से ये धरती सोलर सिस्टम के रूप में एक परिवार है, उसी तरह से, और ये सोलर सिस्टम गैलेक्सी में एक परिवार है, एक पार्ट है, और वो गैलेक्सी भी आगे किसी का पार्ट है, उसी तरह से मानव भी एक व्यवस्था है जो परिवार के रूप में एक व्यवस्था है, ये परिवार किसी देश और समाज के रूप में एक व्यवस्था है, ये पूरे प्लेनेट के रूप में एक व्यवस्था है, और फाइनली कल को दूसरा प्लेनेट भी मिलेगा, वहाँ भी मानव मिलेगा, उसके जीने का नियम भी यही होगा ना जो हमारा होगा। शरीर अलग हो सकते हैं, शरीर की हाइट और एज अलग हो सकती है, लेकिन सुखी होने के नियम पूरी सृष्टि में एक ही होगा। धीरे से ये बात भी जैसे आगे चलेंगे समझ में आएगी, है ना। तो इसलिए जब हमारी ये बड़े लेवल की समझ बनती है तो पति पत्नी समझ संबंध को, परिवार में सभी संबंधों को देखने की हमारी अलग दृष्टि बनती है, हमारी अपेक्षाएं अलग तरह से बनती हैं, और उन अपेक्षाओं को कैसे पूरा किया जाए, उसकी मेरी योग्यता कितनी है, उस योग्यता को कैसे लाना है, उसके लिए मेरी क्या तैयारी होगी, वो भी आगे की बात है। सोचने की बात यह है, दो वक्त की रोटी खा पाए उसके लिए 22 साल पड़ते हैं, और 5 साल जॉब करके, 10 साल जॉब करके तब एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ कुछ हुआ। तो पेट भरने के लिए इतनी मेहनत, मन भरने के लिए क्या मेहनत किया। तो अभी तक हमारी पेट भरने की तैयारी है, मन भरने के लिए हमको भ्रम हो गया कि पेट भर जाएगा तो मन भी भर जाएगा, ऐसा हम सोच के चले, पर पेट भरने के बाद पता चला कि पेट भरना मन भरना नहीं है।
ये पेट भरने के बाद पता चला कि पेट भरना मन भरना नहीं है। मन कैसे भरेगा? मन कैसे भरेगा? भाव से भरेगा। मन भाव का भूखा है, भाव की निरंतरता का भूखा है। तो पेट की भूख अलग है, मन की भूख अलग है। पेट की भूख को पूरा करने का जुगाड़ अलग है, मन की भूख को पूरा करने का जुगाड़ अलग है। ब्रह्मवश हम मानव को मान के चल रहे थे कि वो केवल शरीर है और पेट की भूख ही सब कुछ होती है, और ये हो जाने से सब ठीक हो जाता। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा है नहीं, क्योंकि जीवन अलग है, शरीर अलग। बोलो, बोलना चाहते? हाँ। और मन ड्राइवर है, मतलब ये आदेश देता है और ये काम करता है। बहुत बढ़िया। एंड दूसरा कि शरीर खत्म हो जाता है, मन मैं खत्म नहीं होता। मैं खत्म नहीं, क्योंकि पूछिए अपने आप से, मैं मरना चाहता हूँ क्या? कोई नहीं कहेगा मैं मरना चाहता हूँ। हमने लाश को जलते हुए नहीं देखा है क्या? देखा है। लाश को जलते हुए भी देख के, हजारों बार जलते हुए देख के, क्यों अपने भीतर ये स्वीकार्यता नहीं आती है कि मैं मर जाऊँगा? तो धीरे से समझने आया कि कन्फ्यूजन के चलते शरीर मरता है, इसका मतलब मैं भी मरता हूँ। इसको नकार भी नहीं पाता हूँ, इसको मान भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं नहीं मरता हूँ, शरीर मरता है। जी, हाँ जी, हो गया। अच्छा, उसका मैस हो जाता है ना, तो उठने के बाद आपको लगता ही है कि आज नींद अच्छी आई। इसका मतलब है कि सोते हुए भी कोई चीज जली रही है, और सोते हुए भी इस हॉल में 500 लोग, 50 लोग सो रहे हैं, रात को आके आवाज मारते हैं रामलाल, रामलाल उठते हैं कि सारे उठ जाते हैं? रामलाल ही सुनते हैं कि सारे सुनते हैं? सारे सुनते हैं। तो सोते हुए आदमी में कोई चीज हमेशा जगी हुई है सुनने के लिए कि कोई मेरे को आवाज तो नहीं दे रहा है ना? सेंसेस नहीं है वो, नहीं, सेंसेस को भी समझेंगे। चलो ठीक हो गया। तो अभी के लिए इतना ही कि मैं कभी नहीं सोता हूँ, मैं कभी नहीं सोया हूँ, मुझको सोने की आवश्यकता भी नहीं है, मैं तो जगा ही रहता हूँ। और वो मानव जो फुल्ली अवेयर हो गया है, उसके सोने और जगने का अंतर खत्म हो जाता है। वो मानव जो फुल्ली अवेयर हो गया है, उसके सोने और जगने का अंतर खत्म हो जाता है। शरीर सोया है, मैं ये देख पाता हूँ कि शरीर आराम में है, मैं बना हुआ। तो इसका मतलब है कि मैं नहीं सोता हूँ, शरीर सोता है, मैं नहीं मरता हूँ, शरीर मरता है। धीरे धीरे इसको देखेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है तो बॉडी को एनेस्थेटाइज हो सकता है, लेकिन हमको पता होता है कि आजू बाजू क्या बातें चल रही हैं। यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन हियर ऑल दैट। तो जिन्होंने एटलीस्ट एनेस्थीसिया को एक्सपीरियंस किया है, आई एम श्योर वो एक स्थिति होती है जहाँ पे हमको पता चल रहा है कि चल क्या रहा है। कुछ लोगों के साथ होता है, कुछ को नहीं भी पता चलता है, लेकिन कुछ लोगों को पता चलता है। बढ़िया। कॉमा अलग चीज है बेटा। कॉमा का मतलब है कि सही है? है? अलग कर। तो बेसिकली अब ये ब्रेन है, तो मैं जो है, देखिए ये बोल रहे हैं कि जो मैं नाम की एंटिटी है, एक तो ये क्लैरिटी हो जाए, जैसे शरीर किससे बना? शरीर माँ बाप के संयोग से माँ के गर्भ में बनता है, पशु में भी बनता है और मानव में भी बनता है। तो शरीर माँ बाप के संयोग से बना, लेकिन मैं माँ बाप के संयोग से नहीं बना।
तो मैं एक एग्जिस्टेंशियल रियलिटी हूँ, मैं एक प्रकृति सहज वास्तविकता हूँ। जिस तरह से अनेक प्रकार के परमाणु एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में हैं, उसी प्रकार से मैं भी एक वास्तविकता हूँ जो नेचर में हूँ। मुझको मेरे माँ बाप ने नहीं बनाया है। मेरे माँ बाप ने मुझको क्या दिया है? मेरे माँ बाप ने मुझको शरीर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि माँ बाप का रंग रूप रोग जेनेटिकली बच्चे में आता है। माँ बाप का रंग रूप रोग बच्चे में आता है, लेकिन आचरण शरीर की चीज है कि आचरण जीवन की चीज है? आचरण का मतलब है धन के प्रति एक व्यक्ति का दृष्टिकोण, स्त्री पुरुष संबंध के प्रति एक व्यक्ति का दृष्टिकोण, मानव और प्रकृति के साथ व्यवहार करने के लिए एक व्यक्ति का दृष्टिकोण। तो इसका मतलब है संत का बेटा डाकू और डाकू का बेटा संत हो ही सकता है। एग्जाम्पल मिलते ही हैं। इससे ये पता चला कि जब भी माँ के गर्भ में पशु में हो या मानव में हो, अभी मानव की बात करते हैं, एक गर्भ उपलब्ध हो जाता है जिसको कोई जीवन चला सकता है, तो लगभग जीवन शरीर को चलाता है तो ब्रेन के थ्रू ही चला सकता है और कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो मैं किस शरीर को चला सकता हूँ? जिसमें इतना विकसित ब्रेन है, मस्तिष्क है, जो मेरे संकेतों का प्रसारण शरीर पे कर सके और जो संकेत शरीर से आते हैं उनको मुझ तक पहुंचा सके। तो ब्रेन क्या चीज है? तो ब्रेन मीडिएटर है जो शरीर और मेरे बीच में काम करता है। तो कोमा क्या चीज है? कोमा का मतलब है कि ब्रेन में कोई डिसऑर्डर हो गया है। ब्रेन में डिसऑर्डर होने की वजह से जो शरीर के सिग्नल्स हैं वो मुझ तक नहीं पहुंच रहे हैं, और मैं कुछ कहना भी चाहता हूं तो ब्रेन के थ्रू ही कहूंगा, तो मैं भी नहीं कह सकता हूं। इसलिए कोमा में गया व्यक्ति सामने अपने परिजनों को पहचान के रिस्पॉन्ड नहीं करता, मुस्कराता नहीं है, लेकिन उसमें भी वो सामान्य किसी को नहीं देख के मुस्करा रहा है जिसको वो बहुत प्यार करता है। ऐसे एग्जाम्पल आप देखोगे, उसका हाथ उसके हाथ में डाल लेंगे तो उसका दबा देगा। तो कहीं बहुत गहरे में यदि किसी व्यक्ति के प्रति स्वीकृति है तो उन क्षणों में कोई सिग्नल वो किसी व्यक्ति को दे सकता है। ऐसी भी घटनाएं देखने में आती हैं, बाकी लोगों को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ना? तो इससे ये पता चलता है कि बेसिकली मैं शरीर को चलाता हूँ, ब्रेन के थ्रू चलाता हूँ, और यदि ब्रेन में गड़बड़ हो गया, मैं बोलना तो चाहता हूँ मेरा गला ठीक नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं व्यक्त होना चाहता हूँ लेकिन ब्रेन ठीक नहीं है तो मैं व्यक्त नहीं हो पाता, इसका नाम कोमा है। पागलपन क्या है? आदमी पागल कैसे होता है? तो किसी एक्सट्रीम शॉक की सिचुएशन में, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक कोई भी झटका आदमी को लगा जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, है ना? देखो आदमी की व्यवस्था कितनी सुंदर है। कुकर होता है ना, कुकर, कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है। सेफ्टी वॉल्व नहीं रहेगा तो क्या होगा? फट जाएगा और उसमें एक आध आदमी और मर सकता है। तो कुकर में एक सेफ्टी वॉल्व लगाते हैं कि किसी भी कारण से यदि गैस ज़्यादा बन गई है तो वहाँ से निकल जाएगी, कुकर भी सेफ रहेगा, घर भी सेफ रहेगा। उसी तरह से आदमी में दो सेफ्टी वॉल्व होते हैं। एक सीमा के ज़्यादा शरीर का दर्द आएगा तो बेहोश हो जाएगा, एक सीमा के ज़्यादा शरीर का दर्द मिलेगा तो बेहोश हो जाएगा, एक सीमा के ज़्यादा जीवन का दुख आएगा तो पागल हो जाएगा। पागल होके दोबारा नॉर्मल हो जाएगा, फिर चांस है कि जिंदगी मिल गई। बेहोश होके दोबारा होश में आएगा तो फिर चांस है कि जिंदगी मिल गई। यदि दोनों नहीं होगा तो शरीर मर जाए, शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो शरीर किसी सीमा तक ही सुख दुख को बर्दाश्त कर पाता है, उसकी सीमा है क्योंकि वो भौतिक वस्तु है। तो जीवन अपने आप में चैतन्य वस्तु है, वो भौतिक वस्तु नहीं है। जीवन की सुख दुख को सहने की क्षमता अलग है, शरीर की सुख दुख को सहने की क्षमता अलग है। तो इसका मतलब है एक सीमा से अधिक सुख दुख आता है या शरीर के साथ कष्ट आता है तो शरीर में बेहोश होने की घटना हो जाती है और जीवन में पागलपन होने। तो पागलपन किसकी किसकी प्रॉब्लम है? जीवन की है कि शरीर की है? जीवन की है। तो आदमी पागल होएगा तो ब्रेन तो ठीक है, तो पागल होने का मतलब है कि उसका पूरा डेटा डिस्टर्ब हो गया है, चित्त पूरा डिस्टर्ब हो गया है। तो वो जो नहीं बोलने का है वो बोलने लगो,
कुछ कुछ बोलते जा रहा है ऐसे ऐसे, तो पागलपन कैसे ठीक होगा, जीवन कैसे ठीक होगा? तो अब ये बोल रहे हैं कि उसको जितना अपनापन मिलेगा, क्योंकि बेसिकली किसी अपने का झटका काफी वहां पहुंचा है। पुरानी फिल्मों में हम देखते थे इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह देते थे, धीरे धीरे हम समझने लगे हैं कि जीवन को अपनापन ही उसकी सबसे बड़ी दवाई है। और ब्रेन कैसे ठीक होगा, उसको कोई केमिकल कोई भौतिक रासायनिक दवाई ही उसकी दवाई है। तो कोमा ब्रेन के साथ कोई लोचा है और पागलपन जीवन के साथ कोई घटना है, धीरे धीरे ऐसा हमारा ध्यान जाता है। चलिए, तो मेरे को लगता है कि अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो आगे नहीं चलते हैं। तो ये हमारी क्लैरिटी बन गई। हाँ माइक कहो। डिप्रेशन ब्रेन में होता है कि माइंड में होता है? डिप्रेशन तो जीवन में ही होता है, माइंड में ही होता है, लेकिन डिप्रेशन और मैनिक दोनों सिचुएशन आती है। तो एक समय में वो डिप्रेसिव स्टेट में होता है, फिर एक समय में एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो एक्साइटेड स्टेट में उसका बिहेवियर एग्रेसिव हो सकता है, लोगों के साथ थोड़ा सा मारपीट कर सकता है या कुछ और कर सकता है। तो उसको एक बीच में बनाए रखने के लिए ब्रेन को स्लो डाउन कर देते हैं। तो जो उसका व्यक्त होने का मैकेनिज्म है उसी को स्लो डाउन कर दिया, उधर जीवन में जो लोचा होना है होता रहे, लेकिन वो कम से कम दूसरों के लिए खतरा ना बने, परेशानी ना बने, और ऐसी दुर्घटना ना कर दे जो उसके लिए परेशानी बन जाए। क्योंकि उस बीच में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ रहता है वो सब याद रहता है। तो मैंने कोई ऐसी घटना कर दी जो मेरे लिए अपराध बोध बन गया, ऐसी कोई स्थिति ना बने, दूसरों के साथ ऐसी कोई स्थिति ना बने, इस बीच में जीवन अपने आप नॉर्मल होता है। डिप्रेशन की दवाई तो सालों चलती है, ये डॉक्टर्स की महिमा भी है, ये डॉक्टर्स की महिमा भी है कि उसको ग्राहक परमानेंट की ज़रूरत है। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है कि यदि डॉक्टर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो कि बहुत सारे केसेस में नहीं है, क्योंकि तो डॉक्टर भी उसी मानसिकता से आया है, पैसा ही सब कुछ है, इंद्रियों में सारा सुख है, सुविधा ही जीवन शैली है, और उसके हाथ में वो डॉक्टरी का स्किल लग गया तो बंदर के हाथ में उस तरह है। अब चाहे वो बंदर के हाथ में उस तरह डॉक्टर है कि वो इंजीनियर है कि वो आईएएस है कि वो आईपीएस है कि वो मंत्री है कि वो शिक्षक है, यदि मानसिकता ये है तो बहुत अच्छा डॉक्टर बहुत एक घटिया इंसान हो सकता है, बहुत अच्छा इंजीनियर बहुत घटिया इंसान हो सकता है, और बहुत अच्छा इंजीनियर बहुत घटिया पति हो सकता है, घटिया पत्नी हो सकती है। सर मेरे पास एक एग्जाम्पल है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, पर उनकी वाइफ को 20 साल से डिप्रेशन की दवा चल रही है, 20 साल से उनके वाइफ को। हाँ, अब ये पता नहीं, देखो किसी की चर्चा करने का फायदा नहीं है, क्योंकि किसी के घर में किस सिचुएशन के पीछे क्या कारण है हमको नहीं पता है ना, तो वो तो ठीक है, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि यदि डॉक्टर को किसी व्यक्ति को परमानेंट ग्राहक बनाना है और ऊपर से वो साइकोलॉजी ये साइकेट्रिक वाला काम करता है, ये और खतरनाक हो जाता है। बाकी को फीवर की दवाई दे देगा, कुछ और करेगा, अब ये परमानेंट परमानेंट ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ब्रेन परमानेंटली स्लो डाउन हो जाता है, अब वो किसी काम का नहीं बचता, वो जिंदा लाश जैसा हो जाता है, तो ये खतरनाक है। इसलिए हाँ सॉरी न्यूरोलॉजिस्ट हाँ बिल्कुल ठीक। डिप्रेशन वेस्ट में नॉर्मली ऐसा कहा सिम्टम्स दिखते हैं और वो खुद साइकाइट्रिस्ट के पास या जो जाते हैं, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट नीड नॉट बी अ कंटिन्यूअस दवाई, बट काफ़ी टाइम वो जैसे आपको एक सीजन में आया या दूसरे कुछ टाइम बाद आया, जितना मैंने पढ़ा हुआ है डिप्रेशन के कभी कभी साइकिल्स आते हैं, ऐसी साइकिल्स ही आते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूँ कि देखो अब आदमी की दवाई समझ में आती है। हम डिप्रेशन उसको मानते हैं जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होने की स्थिति में आ जाता है। मेरे अंदर उत्साह नहीं है, डिप्रेशन ही तो है, मेरे को जिंदगी जीने का उत्साह नहीं है, मेरे भीतर कोई उमंग नहीं है, मेरे भीतर कोई खुशी नहीं है, मेरे भीतर कुछ कर गुजरने का है ना जज्बा नहीं है, डिप्रेशन ही है। जबकि जीवन अक्षय बल शक्ति संपन्न है, सोचने समझने की ताकत मानव के पास सीमित है कि असीमित है? असीमित ताकत का व्यक्ति उत्साह के साथ ना हो, उमंग के साथ ना हो, कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ ना हो, इसका नाम डिप्रेशन है। कितने प्रतिशत लोग, बड़ा वर्ग है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आदमी की दवाई एक ही है, सूत्र है, लिख लीजिए, हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, हर मानव
अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है, उसकी उपयोगिता ही उसका महत्व है, और मानव लक्ष्य के अर्थ में ही उपयोगिता होती है। हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, मानव लक्ष्य के अर्थ में अपनी भूमिका ही मेरी उपयोगिता है। मानव लक्ष्य के अर्थ में मेरी भूमिका है ना। मानव लक्ष्य क्या है याद थोड़ी होगा? कितने लोगों को मानव लक्ष्य याद है? हाथ उठाओ। कितने लोगों को नहीं याद है? हाथ उठाओ, संकोच ना करो। कम से कम 3-4 परिचय शिविर, क्योंकि एक परिचय शिविर में इतना कंटेंट आता है कि वो हमको याद रहे ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको याद नहीं है कोई गलत नहीं है, ऐसा बोल रहा हूँ, होता ही है। तो मानव लक्ष्य का मतलब है, आज ही चर्चा हुआ, सभी मानव समाधानित हो जाएं, ये मेरी ज़रूरत है कि नहीं? क्योंकि वो सामने वाला मानव समाधानित नहीं होगा, वो मेरी कंपनी में एक्साइज इंस्पेक्टर बन के आ गया तो खतरा है, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ ड्यूटी बन के आ गया तो खतरा है। इसका मतलब है सभी मानव समझदार हों, ये मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए मेरी आवश्यकता है। सभी मानव समझदार हों, सभी परिवार समृद्ध हों, समाज भय से मुक्त हो, प्रकृति में संतुलन हो, इससे ज़्यादा होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं, इस अर्थ में मेरी भूमिका क्या है, मेरे परिवार की भूमिका क्या है? इससे कम में आप खुश नहीं होंगे, कुछ भी कर लो, क्योंकि ये नेचर का नियम है। तो मानव लक्ष्य को पहचानना, मानव लक्ष्य के अर्थ में अपनी योग्यता बनाना, अपने पूरे परिवार को सजाना, ऐसा जी पाना, ऐसा जी पाएंगे तो अपने को तृप्ति की, उस मेरी भूमिका से मुझको भी तृप्ति होगी, मेरी भूमिका से मेरे परिवार को तृप्ति होगी, मेरे परिवार से मेरे समाज को तृप्ति होगी कि हम ठीक जी रहे हैं, है ना। बच्चों में रहता है ना, अभी हम बड़ों में भी रहता है, कुछ हटके करना चाहता हूँ, कुछ अलग करना चाहता हूँ, है ना। ये क्या चीज़ है? क्योंकि जो कुछ मेरे आसपास दिख रहा है, मेरे को इसमें कुछ भी नया नहीं दिख रहा है, मेरे को लग रहा है इसको करके मेरी भी वही हालत होने वाली है, ठीक। अभी हटके करना चाहता हूँ, अलग करना चाहता हूँ, ये कोई चीज़ की तलाश है, लेकिन वो चीज़ क्या है जिसको करने से मेरे भीतर वो तृप्ति आ जाए, जिस तृप्ति की मुझको तलाश है, और वो तृप्ति हमेशा बनी रहे, जिसके पास कुछ और पाने की तलाश खत्म हो जाए, उसी के साथ बने रहने की स्थिति बन जाए। तो इसका मतलब है कि मानव लक्ष्य के अर्थ में मेरी भूमिका से ही मैं तृप्त होता हूँ। अभी हमारी उपयोगिता कैसी है? मानव लक्ष्य के अर्थ में है कि जिंदा रहने के अर्थ में है? तो अभी मेरी भूमिका जिंदा रहने के अर्थ में है। जो लोग NGO चला रहे हैं वो दूसरों के जिंदा रहने के अर्थ में है, संवेदनशीलता का कोई भी काम कर रहे हैं, फाइनली उससे भी मेरी तृप्ति नहीं है, मेरे परिवार की तृप्ति नहीं है, और जो तृप्त नहीं होगा वो कोई ना कोई शिकायत करता रहेगा। जो व्यक्ति अपने में तृप्त नहीं रहेगा उसको कोई ना कोई समस्या दिखती रहेगी, वो कोई ना कोई शिकायत करता रहेगा, बैठे बैठे भी उसको समस्याएं याद आती रहेंगी, बेटे की शादी कैसे होगी, या किसी और बेटा का क्या होगा, बेटे का करियर क्या होगा, कल को हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, आप बैठे बैठे कोई ना कोई चीज़ याद करोगे। ये सारा क्या चीज़ का सिम्टम है? ये इस बात का सिम्टम है कि वर्तमान से तृप्ति नहीं है। जिनको वर्तमान से तृप्ति नहीं होती है वो भूत में या भविष्य में जीते हैं। वर्तमान से तृप्ति होगी ना भूत की पीड़ा याद आएगी, ना वर्तमान या भविष्य की चिंता होगी। बढ़िया। तो डिप्रेशन का एक स्वस्थ समाज की पहचान है कि जहां समाज सेवा की आवश्यकता ही खत्म हो जाए। हर परिवार अपने आप में जिम्मेदार, क्या जरूरत है किसी को सेवा करने की? हर परिवार अपने में जिम्मेदार होगा, अपने में समझदार होगा, अपने परिवार को संभालेगा, ठीक से जिएगा, बात पूरी हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि बेसिकली अपने में मानव लक्ष्य को पहचाने बिना, मानव लक्ष्य के अर्थ में अपनी योग्यता को तैयार किए बिना, ऐसा जिए बिना हमारी तृप्ति नहीं है। इससे कम में समाज में डिप्रेशन, अभी समाज में सुविधाएँ बढ़ी हैं कि घटी हैं? डिप्रेशन बढ़ा है कि घटा है? सुविधाओं के बढ़ने के साथ हमारी खुशी बढ़नी चाहिए थी,
खुशी बढ़ने की जगह डिप्रेशन बढ़ रहा है, क्योंकि जब तक सुविधाएं नहीं थी तो लग रहा था कि सुविधा के आ जाने से ठीक हो जाएगा, सुविधा आने के बाद लग रहा है कि व्हाट नेक्स्ट, अब कुछ और समझ में भी नहीं आता, तो इसका नाम डिप्रेशन है। तो जिंदगी में मैं खुश कैसे रहूं ये समझ में ना आने का नाम डिप्रेशन। मेरे खुश होने की, मेरे खुश रहने की आशाओं का टूट जाने का नाम डिप्रेशन। और यही बहुत सीवियर हो जाता है, तब हम इसको डिप्रेशन के रूप में पहचानते हैं। ऐसे आप देखोगे तो पता चलेगा कि 80% मास ऐसे है। एक मेरा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें पूछना चाह रहा हूँ, जैसे जिंदा रहता हूँ मैं, नहीं खत्म होता हूँ, तो ये जो नॉलेज ज्ञान जो नागराज जी बाबा जी जो इनके अंदर ज्ञान है, तो वो ज्ञान कहाँ रह जाता है, मैं में रहता है शरीर में जाता रहता है? धन्य हो, तो अब वो पैर ही छू लो अब यही बचा है। अरे तो ऐसे कैसे पूछ रहे हो, आपसे ऐसे क्वेश्चन क्यों? में रहेगा, रहेगा। अभी भी सब कैसे अलग अलग दिखाई देते हैं, एक ही माँ के दो बच्चे, एक को पैसे के अलावा कुछ नहीं सूझता है, एक को पैसे में कोई उसके पीछे ही पड़े रहो तो एक हाथ पहन लेता है, नहीं तो है ना, ऐसे बच्चे घरों में मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वही टीचर वही माहौल, कोई आदमी पीछे से कुछ लेके आ रहा है? भैया जैसे अभी अपन शरीर छोड़ेंगे, जो भी महापुरुष जी छोड़ेगा वो कहीं ना कहीं अगले जन्म में शरीर, आप उसको छोड़ दो, हमारे आपके साथ भी ऐसे ही होता है, जो कुछ भी शरीर छोड़ते समय जीवन का स्थिति रहेगा उसमें जो कुछ भी पॉजिटिव आपने स्वीकारा है वो कैरी ओवर होगा। जीवन एक अनवरत यात्रा है। मैं आपको ये मानूंगा जैसे आज आप हमारे को ज्ञान दे रहे हो, अगले जन्म भी कहीं कहीं आप इस तरह से ज्ञान दोगे हमें, बस आप ऐसे ही देखना मेरे को। अरे गांधी जी ने शरीर छोड़ते समय यदि ये पाया कि ये सत्य के प्रयोग से कुछ निकला नहीं, क्योंकि लास्ट के समय उनको किसी ने माना नहीं, देश ने उनको पूछा नहीं, है ना, तो अगली शरीर यात्रा में वो सत्य के प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आया? अब मैं हर बार इसी भूमिका में थोड़ी रहूंगा, लेकिन जो कुछ भी मैंने समझा है, जो कुछ भी उसमें से पॉजिटिव मैंने स्वीकारा है वो मेरे साथ रहेगा ही, और पीछे से भी कुछ लेके ही आ रहा हूँ, तभी ये सब करते हुए हम सभी के साथ वही स्थिति थोड़ी हो रहा है। आज आपके पास नॉलेज है वो अगले किसी शरीर में ऐसा कर नॉलेज अपने ज्ञान दिख रहा है, जैसे अपन महावीर भगवान को माने या किसी को भी माने, तो वो अपने अगले जन्म ऐसा है, उसका सूत्र ऐसा है, जीना समझ में आता है तो मरना समझ में आता है, मरना समझ में आता है तो मरने के बाद का समझ में आता है, तो पहले मरने के बाद का समझें कि पहले जीने का समझें? तो पहले जीना समझ में आ जाए तो कौन जीता है कौन मरता है, ज्ञान शरीर में रहता है कि मुझ में रहता है, पहले ये पकड़ में आए, ये सह शरीर पकड़ में आएगा कि मरने के बाद पकड़ में आएगा, तो पहले सह शरीर पकड़ में, बाकी बात बात करें। हाँ जी सर बोलिए। शरीर में और जीवन में, शरीर में नहीं होगी? बहुत बढ़िया, देखो मेरे को लगता है कि क्लियर कट हमको कुछ अंतर पहचानने या जो भी आप सबको पता है, किसी भी शिविर में 50% लोगों को कर्मेंद्रियां पता नहीं है। कितने लोगों को कर्मेंद्रियां 5 होती हैं नहीं पता है, हाथ उठाओ, संकोच ना करो नहीं तो मैं पूछने वाला हूँ। 70-80% ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं सबको पता है, 5 senses हम सबको पता होता है। तो मानव में 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं, कर्मेंद्रियाँ बेसिकली शरीर में इनपुट सिस्टम है, ज्ञानेंद्रियाँ आउटपुट सिस्टम है, इनपुट आउटपुट ठीक काम कर रहा है तो आदमी स्वस्थ है, ऐसा भी एक बोलने का तरीका हो सकता है, है ना? देखो अभी पिछले दिनों में ऐसी विचार चल रहा था, यदि स्केल्टन देखा जाए, स्केल्टन कंकाल, तो स्त्री और पुरुष के कंकाल में क्या फर्क होता है? है ना, मेजर जो फर्क है जो बिल्कुल आंख से दिखने में आता है जो पेल्विस है, क्योंकि तो माँ बच्चा कैरी करती है इसलिए महिलाओं में ये बड़ा होता है, इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, पुरुष में छोटा होता है, अदरवाइज कोई बड़ा फर्क, माइन्यूट डीप में जाएंगे तो फर्क मिलेंगे,
लेकिन अदरवाइज देखोगे तो उसमें मेल फीमेल कुछ नहीं है, है ना। बाकी सारा मेल फीमेल ऑर्गन तो मांस से बना हुआ है, वो तो अलग रह गया, कंकाल के साथ तो वो है नहीं। तो मानव के पास जो पांच कर्मेंद्रियां हैं उसमें क्या बोल रहे हैं, हाथ पैर, प्रजनन तंत्र, विसर्जन तंत्र और बोलना, रिप्रोडक्शन सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, स्पीच, बोलना, हाथ और पैर, ये पांच चीजों से हम कर्म करते हैं। हाथ से कर्म करते हैं, पैर से कर्म करते हैं, बोल के कर्म करते हैं, रिप्रोडक्शन सिस्टम से कर्म करते हैं और एक्सक्रीशन सिस्टम से कर्म करते हैं, मतलब आउटपुट हो गया ना ये। अच्छा मैंने गलत लिख दिया, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा कर दो, आउटपुट की जगह इनपुट, इनपुट की जगह आउटपुट। तो मानव पांच ज्ञानेंद्रियों से सूचनाएं ग्रहण करता है, इसलिए उसका नाम ज्ञानेंद्रियां है। और जो कुछ भी समझ में आया वो पांच कर्मेंद्रियों के माध्यम से आउटपुट करता है, ठीक है। उसमें से तीन कर्मेंद्रियां स्केल्टन में ही है, जो हमारे काम की चीज देखा जाए तो, जिनसे हम मेजर कर्म कर रहे हैं, जैसे हाथ पैर और बोलना, देखा जाए तो तीनों स्केल्टन में है, कंकाल के अंदर, कंकाल में है, केवल उसको ऑपरेट करने के मैकेनिज्म बाकी बनाए हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम का मतलब है दूसरा शरीर बनाना, और एस्पिरेशन सिस्टम का मतलब है इस शरीर को बनाए रखना। तो इस शरीर को बनाए रखना, दूसरे शरीर को बनाना, ये दो कर्म और हो गए। लेकिन हम मैक्सिमम टाइम क्या यूज, बेसिकली हमारे काम की चीज क्या है, हाथ पैर और बोलना। मैक्सिमम कर्म हम हाथ पैर और बोलने के रूप में करते हैं, है ना, ये बात ध्यान में आ गई। तो दूसरे आदमी को जब भी देखना है स्केल्टन के रूप में देखो, कैसा दिखाई देगा, ऐसा हैप्पी वाला, ठीक। तो जब स्केल्टन के रूप में देखते हैं, स्केल्टन के रूप में देखने का अभ्यास करते हैं, तो हमको वो शरीर के साथ जो मोह वाला पक्ष है वो टूटने लगता है। मोह किसके साथ है, मोह हमको शरीर के उस आकार के साथ, उस मेल फीमेल के साथ बना हुआ, हड्डियों के साथ थोड़ी मोह है। स्केल्टन जो लटका हुआ दिखता है, और उसमें तीनों चीजें उसमें हैं, हाथ भी है, पैर भी है और बोलने वाला तंत्र भी वहां पर मौजूद है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो शरीर के साथ हमारा मोह है ये बहुत गहरा है, रूप के साथ, स्त्री पुरुष के साथ। यदि स्केल्टन को देखते हैं तो उसमें स्त्री पुरुष दोनों धुल जाते हैं, दोनों धुल के बह गया, स्त्री पुरुष बह गया। मानव के रूप में काम की चीज बची कि मैं मैक्सिमम कर्म बोलने के रूप में करता हूं, हाथ से करता हूं, पैर से करता हूं, ठीक। तो वहां जाके मेरे को एक मानव के रूप में अपने आप को पहचानने के लिए, अब उस हाथ पैर और मुंह को चलाए रखने के लिए, नया हाथ मुंह और पैर बनाने के लिए रिप्रोडक्शन सिस्टम है, हाथ मुंह और पैर को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन सिस्टम है, और हाथ मुंह और पैर को मैकेनिज्म देने के लिए मांस वास है। ऐसा भी दृष्टि दे सकते, बात पहुंचे कि नहीं, बात पहुंच गई। कंकाल में हाथ मुंह पैर तीनों है, तो मेरा हाथ मुंह पैर काम करे इसके लिए ये पूरा सिस्टम है, मांस वास और सारा तंत्रिका तंत्र और ब्रेन। और हाथ मुंह पैर दूसरे में मल्टीप्लाई कर दूं इसके लिए रिप्रोडक्शन सिस्टम है, और हाथ मुंह पैर चलता रहे इसके लिए एक्सक्रीशन सिस्टम है। तो बेसिकली कंकाल में जितना माल है वही काम का है। सारा खाकरा फाकरा वही डालो, तो अपने आप को कंकाल के रूप में देखो।
और पति को देखो, और दूसरे को देखने से ज़्यादा अच्छा, अपने को तो देखना थोड़ा मुश्किल लगता है। हैं और हिंदी में प्रजनन तंत्र और विसर्जन तंत्र, हाथ पैर बोलना, विसर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र, है ना, ये पांच ज्ञाने कर्मेंद्रिया मानव के पास है। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? माय मोह तो इंसान के थॉट प्रोसेस, मतलब जो उसकी जो विचार है उससे उससे ज्यादा नहीं होता, मतलब ठीक है बॉडी तो सबका होता है, लाइक मेल फीमेल जो भी है, बट आई थिंक यूजुअली हम अट्रैक्ट होते हैं उसके, लाइक आपने जैसे सुबह भी बोला कि हमको क्या याद रहता है, उसका आचरण याद रहता है, पर आचरण के साथ मोह होता भी नहीं। अभी भी ये जब सभा में पूछूंगा ना कितने लोग हैं जिनको आप दिल से सम्मान करते हो, कोई कोई बोलेगा मेरे पास तो कोई नहीं है, ऐसे भी सैंपल मिलते हैं क्योंकि शायद उन्होंने तो अभी वो दुनिया हमारे पास है नहीं, उन्होंने उस तरह से देखा ही नहीं। हाँ, उन्होंने उस तरह से देखा नहीं है। और जिसको आज देखो, दूसरी घटना हम सबके साथ कॉमन है, कितने लोगों के साथ ये घटना हुई है कि जिंदगी के किसी मोड़ पे आपने किसी को बहुत बड़ा माना था और वक्त के साथ साथ वो छोटा निकल गया। हाथ उठाओ, घटना मैक्सिमम रिपीट होती है जिंदगी में। जिनको हमने बहुत बड़ा माना था वक्त के साथ साथ वो उतने बड़े नहीं निकले जितना बड़ा हमने माना था, अक्सर ये घटना होती है। और हमारे बारे में भी कोई ऐसे ही सोचता होगा। तो इससे ये पता चलता है कि वो बड़प्पन जिसकी हमारी चाहना है खुद के लिए या दूसरों में देखने के लिए, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल है उसको देख पाना। इंजीनियर डॉक्टर अपने बच्चे को दिखाना हो तो कहाँ मिलेगा, घर में मिल सकता है। और अच्छा आदमी कैसा होता है दिखाना होगा तो चलो मैं तुमको गांधी जी की जीवनी ला के देता हूँ। अरे ये कैसी गरीबी है, गरीबी है कि नहीं है? कितने व्यक्ति हैं समाज में जिनके प्रति समाज ये भरोसा करे कि इनको अपना तन मन धन दिया जाए तो ये उसका सदुपयोग करेंगे, ढूंढे नहीं मिलता है। समाजों के मंच पे पॉलिटिकल लोग ही लाके बिठाए जाते हैं या पैसे वाले लोग ही लाके बिठाए जाते हैं, इसलिए इसका मतलब है कि समाज में हमारे पास कोई चेहरा नहीं है जिसका हम जिसको बिठा के अपने मंच पे हमारा मन सुशोभित हो सके। ये गरीबी है समाज की। तो जिस आचरण की हमको अपने में तलाश है, जिस आचरण की हमको दूसरे में तलाश है, वो तो हमारी कल्पना लोक में है कहां? तो इंजीनियर डॉक्टर दिखाना है तो गली में 50 मिलेंगे। अच्छा आदमी कैसा होता है बेटा, मैं तो गांधी जी की बुक ला के देता हूं। मैंने ऐसा भी देखा है कि माँ होती है उसे कभी कभी, मतलब दो बेटे होते हैं उसमें से एक बेटे के प्रति ज्यादा मोह होता है, जबकि वो उसे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता और वो अक्सर छोटा होता है। हाँ वो उसे अच्छे से ट्रीट भी नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर उसके बारे में बात हो रही है तो वो, क्योंकि वो उसको कमजोर मानती है, उसको सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, ऐसा मानते हैं। ऐसे होता। चलो काम पहुंचे, काम की बात। काम की बात क्या निकली? काम की बात ये निकली कि मैं अपने मानव होने को समझ पाऊं। मैं मेरे मानव होने को नहीं समझता हूं, मैं मेरे पुरुष होने को समझता हूं। मैं अपने आप को पुरुष के रूप में देखता हूं, मैं अपने आप को स्त्री के रूप में देखता हूं, जवान और बूढ़े के रूप में देखता हूं, गोरे और काले के रूप में देखता हूं, अमीर और गरीब के रूप में देखता हूं, है ना, शिक्षित और अशिक्षित के रूप में देखता हूं, मानव के रूप में नहीं देखता। तो मानव के रूप में देखने के लिए कंकाल बीच में लाओ।
कंकाल लगा दो मोबाइल स्क्रीन में, आजकल तो होता है ना अपना फोटो, हाँ ये अच्छा है, तो फिर आपको ना बहुत झंझट नहीं होगा मैं कैसा दिख रहा हूँ, आपको दिखाई देगा मैं कैसा दिखता हूँ। डीपी डीपी इसलिए अगर लड़की बैठी होगी तो हम बोलेंगे कितनी सुंदर दिख रही हो, और लड़का होगा तो कितना एक्टिव हो, ये इनवॉलेंटरी हम में आ जाता है, तो हम वहीं से डिफरेंशिएट उसकी सुनाई है, जहां से हमारा सुख है वहीं से आता है, है ना? तो वो बच्चा सुनता है, महिलाओं को भोग की वस्तु पुरुष ने बनाया, बिल्कुल है ना, इसलिए महिलाओं में एज क्यों नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि एज के साथ जवानी जुड़ी है, और एज गई जवानी गई तो आप कोई काम के नहीं है, तो ये जो इनसिक्योरिटी है हमारे भीतर कि मेरी सुंदरता को ही पूछा जाएगा, मुझको नहीं पूछा जाएगा, मैं कुछ हूँ नहीं, तो जब तक आप में ये एहसास नहीं आएगा कि मैं कुछ हूँ, तो फिर ना ये एज के बैरियर होंगे, फिर ये भाषा भी बदलेगी, इसका मतलब है कि जब तक हम अपने आप को मानव के रूप में नहीं पहचानेंगे, हम अपने आप को दूसरे मेरे को किस निगाह से देखते हैं वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं खुद को किस निगाह से देखूं ये मेरी जरूरत है, पर मैं इसको बदल सकता हूँ, संसार जब बदलेगा तब बदलेगा। भी पांच बल और पांच शक्तियां हैं जिसको हम सोचने और समझने का काम कहते हैं, मानव में समझने की शक्ति, समझना, विचार, है ना, ये सब जो फैकल्टीज हैं वो भी पांच बल और पांच शक्तियों के रूप में हैं, कभी वहां पहुंचेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। हाँ जी, और क्या, और क्या अलग अलग दोनों में, शरीर और मैं कैसे अलग अलग है, यदि जीवन की बात करें, जीवन मतलब मैं नाम की चीज का सबसे मिनिमम चीज मन है, मन ब्रेन के थ्रू शरीर को चलाता है, मन को चलाने वाली चीज चित्त है, वृत्ति है, वृत्ति मतलब जहां विचार होता है, वृत्ति को चलाने वाली चीज चित्त है, जहां इच्छा होती है, चित्त को चलाने वाली चीज बुद्धि है ना, और बुद्धि को चलाने वाली चीज भी है और वो भी कहीं है, उसको आगे चर्चा करेंगे। तो ये मैं नाम की एंटिटी जो माँ बाप से नहीं बना है, मैं शरीर को चलाता हूँ, मैं मतलब जब मैं शरीर को चलाता हूँ तो बोल रहे हैं कि मन शरीर को चलाता है, लेकिन मन को चलाने वाली चीज कौन है, विचार, विचार को चलाने वाली चीज कौन है, इच्छा, इच्छा को चलाने वाली चीज कौन है, समझ। अभी मैक्सिमम लोग कहाँ जी रहे होते हैं, मैक्सिमम लोग कहाँ जी रहे होते हैं, मन के तल पे जी रहे हैं, जिनको खा पी के खुश रहना है और खाने पीने मिल जाए, थोड़ा घूमने मिल जाए, थोड़ा अपने मन का मकान मिल जाए, थोड़ा अपने मन की गाड़ी मिल जाए, और इसी का नाम जिंदगी है, ये सब किस लेवल पे जीते हुए लोग हैं, ये सब मन के लेवल पे जीते हुए लोग हैं, है ना, विचार के लेवल पे जीते हुए लोग, जो किसी विचार विशेष को समर्पित है, चाहे वो जैनिज्म का विचार है, चाहे वो बौद्ध विचार है, जो किसी विचार के आधार पे जीवन शैली जीता है ना, वो विचार के आधार पे जीता, इच्छा विचार और इच्छा आजू बाजू, फिर बुद्धि उससे ऊपर की चीज हो गई, जो अस्तित्व के नियम को समझ के उसके आधार पे जीता है वो बुद्धि वाला जगह है। तो अब हमको समझ में आता है कि मन के अनुसार मुझको चलना है कि मुझको मन को चलाना है ना, ये मनोरंजन कौन मांगता है, ये मन मांगता है, तो मन को क्या मनोरंजन देना है कि क्या नहीं देना है, ये विचार का काम है। तो जैसे जैसे हमको ये फैकल्टी समझ में आएगी, वैसे वैसे हमारी जिंदगी बेहतर होगी, ये हमारी जिंदगी का डैशबोर्ड है, ये हमारी जिंदगी का कंट्रोल टावर है, तो जैसे जैसे हमारी क्लैरिटी बनेगी वैसे वैसे हमारी जिंदगी में हमारा अधिकार आएगा, नहीं तो हमारी जिंदगी को कोई दूसरा नियंत्रित कर रहा होता है, तो हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हो कि दूसरे के हाथ में हो,
हमारे हाथ में हो तो ये पूरे दिन धीरे धीरे उसको समझेंगे। जीवन की मूल चाहत, सभी जीवन की मूल चाहत, सृष्टि में सभी जीवन की मूल चाहत निरंतर सुख है, और ये समाधान पूर्वक ही सुखी होता है, इसकी और कोई दवाई नहीं है। समाधान बराबर सुख, ये जीवन है ना। तो इसलिए यदि समाधान बराबर सुख समझ में आ जाएगा तो पति पत्नी और परिवार के सारे झंझट हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, और हम एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट करेंगे, और सही अर्थों में हमारा जीवन धन्य होगा। कि दर्द मुझको होता है, टांग में चोट लगी तो दर्द टांग में होता है कि दर्द मुझको होता है? माइक पीछे आपके को साधन से सुख मिलता है, शरीर को सुख मिलता है कि मुझको सुख मिलता है? आते रहो, बड़ा होगा, जवान होगा, बच्चे डिलीवर करेगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा। शरीर अपने में कुछ नहीं करता, शरीर को चाह भूख लगती है, ये शरीर बताता है कि मैं बताता हूं? सब गड़बड़, सब गड़बड़। आज आप बोले क्या बोले? शरीर को सम्मान की आवश्यकता नहीं है। शरीर को सम्मान की आवश्यकता शरीर को नहीं है। तो आंख बंद करके मैं आपका सम्मान करना चाहता हूं, और आप आंख बंद करो, और मैंने माला पहनाई और माला काफी भारी थी, तो मैं काफी खुश हो गया कि आज तो कोई स्पेशल फूल है। आंख खोल के देखा तो उसमें जूते ही जूते थे। इसका मतलब रिबॉक के थे, तो मैं इसी बात से खुश हूं कम से कम रिबॉक के। तो इसका मतलब यह हुआ कि जीवन को सम्मान की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता सम्मान नहीं है। हाँ जी, और बोलो, हो गया और कुछ? शरीर का जीवन काल सीमित है। शरीर सीमित जीवन काल है, शरीर का जो समय है वो सीमित है। हाँ, शरीर का काल सीमित है, जीवन निरंतर है। हो गया, और कुछ? हो गया। तो देखिए, एक एक करके चलते हैं। मेरे को लगता है कि जैसे भूख लगी, जैसे देखो कितनी बढ़िया बात, भूख लगने से बच्चा बोलता है हम हंसते हैं, है? क्यों? भूख तो भूख है, बच्चा रोता है, हम हंसते हैं। आज खुल के भूख नहीं लग रही है, एक गोली खाने के लिए, एक पचाने के लिए, एक निकालने के लिए। तो भूख किसको लगती है? सारी जिंदगी खा खा के निकल गई, ये पता नहीं चला लगती किसको है, और वो भी गुजरात में पता नहीं चला, जहां इतने आइटम हैं खाने के, है? मन को लगती। हाँ, वही तो बोलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे को भूख लगने का मतलब है आमाशय खाली होता है, उसमें ऐसे निकलते रहता है, जलन होती है, तो बेसिकली जलन होती है पेट में। जलन को हम पहचानते हैं कि भूख है, हमको जलन से मतलब नहीं है, हमको तो पता है स्वाद मिले, हमारा ध्यान कहाँ है? स्वाद पे। बच्चे का ध्यान कहाँ है? जलन पे। जिसका ध्यान जलन पे है वो रोता है, जिसका ध्यान स्वाद पे है वो हंसता है। सोचा ही नहीं, सोचने की मशीन तो खातरा भापरा में निपट गई। देखो, एक बढ़िया बात है, बढ़िया समझने लायक बात है।
हमारे परिवार में एक दिन मैं था, तो कभी कभी मैं अपने परिवार में होता, कभी कभी मैं अपनी पत्नी के घर जाता हूँ। तो एक दिन नाश्ते बैठे थे, नाश्ते का 8:30 बजे हमारे नाश्ता हो जाता फिक्स टाइम। तो मैं नाश्ते की टेबल पे बैठा था और सोच रहा था, तो बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि प्रकृति अपने आप में इतनी पूर्ण है, इसकी इतनी अद्भुत व्यवस्था है, ये आदमी का समझदार होने का प्रोसेस इतना दुखदायी क्यों है? ये आदमी का समझदार होने का प्रोसेस भी सुखदायी होना चाहिए था। ये प्रकृति अपने आप में इतनी महिमा संपन्न है, जब ये पूरा शिविर आपको हो, 5 दिन में आपको तो पूरा शिविर होने वाला नहीं है, तो ये शिविर तो केवल इसलिए था कि आप शादीशुदा लोगों को, पति पत्नी को, अक्सर दोनों में से किसी एक को लगता है कि संसार मेरी वजह से ही चल रहा है और मैं चला जाऊंगा तो ये संसार कैसे चलेगा। तो मैं भाई ये सब अपने आप को VIP मानते हैं, थोड़ा कंसेशन कर देते हैं, चलो 5 दिन में बात कर लेंगे। और छुट्टी वट्टी देख के कमल जी ने मेरा हिसाब किताब लगा के सेट किया था। अब कमल जी को बहुत लगता है कि नहीं, इतनी अच्छी बात है तो अपने पेरेंट्स को कैसे दे दें, है ना, समाज में कैसे ऑर्गेनाइज कर दें, और अच्छी बात है भाभी जी दिख नहीं रही हैं यहाँ, है ना, है हाँ, तो भाभी जी का भी एक बढ़िया योगदान हो गया है, पति पत्नी संबंध में काफ़ी राहत पा गए हैं। तो हाँ, तो अचानक बैठे बैठे उसी बीच में मैंने फिल्म देखी थी, वो गुड न्यूज़, तो मेरे को पहली बार पता चला कि महिलाएं बच्चा डिलीवर करने के प्रोसेस में कितनी सारी परेशानियों से, पेन से, मूड चेंज से, कपड़ा चेंज से, शरीर चेंज से गुजरती हैं, है ना, है बच्चा बच्चा चेंज, हाँ बच्चा चेंज, ठीक। तो सोचते सोचते वो मेरे को याद में आया, तो देखो मैं सोचने लगा कि देखो एक परिवार में जब एक माँ कंसीव होने से लेकर डिलीवरी के प्रोसेस तक जितनी तरह के चेंजेस आते हैं, वो वॉमिटिंग से लेके और खट्टा मन होने से लेके और पाचन बिगड़ गया, है ना, लेकिन पूरे घर में माहौल कैसा है, खुशहाली का माहौल है कि बच्चा घर में आएगा, नया मेहमान घर में आएगा, तो सारी परेशानियों के बावजूद सबका ध्यान किस बात पे है, खुशी पे है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी प्रक्रिया के रिजल्ट के प्रति हमारी आश्वस्ति होती है तो हमारा ध्यान प्रक्रिया के रिजल्ट पे रहता है, और प्रक्रिया की जो भी परेशानियां होती हैं उस पे हमारे को परेशानी भी नहीं होती है, उससे हमारे को कोई इतना दर्द भी नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि ये समझदारी रूपी, जागृति रूपी, ये जो अवेयरनेस हमको जिंदगी को लेके आनी है, इसका फल अभी समाज में एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। परंपरा से लेके आज तक, आज भी कंडीशनिंग ये है कि कोई सन्यासी हमारे घर में आता है तो हम साष्टांग प्रणाम करते हैं और इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि मेरा बच्चा इस रास्ते पे ना जाए। क्यों ऐसा है? क्योंकि फल के प्रति निश्चितता नहीं। बच्चा 10 साल दिल्ली जाए, IAS के लिए मेहनत करे, ना सिलेक्ट हो, वापस घर में आ जाए, चलेगा। लेकिन बच्चा बोले मैं 7 दिन के लिए कोई आश्रम जा रहा हूं, तो पूरे घर में कोहराम मच जाता है, कहाँ पता नहीं कहाँ बाबाओं के चक्कर में आ जाएगा, जिंदगी का क्या होगा, घर छोड़ के भाग जाएगा, शादी नहीं करेगा, है ना, ऐसी तमाम तरह की कल्पनाएं आती हैं। इसका मतलब यह हुआ यदि जागृति रूपी फल के बारे में हमारी निश्चितता नहीं है, उसके बारे में आश्वस्ति नहीं है, उसकी महिमा का पता नहीं है, तो हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है, हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है, जो इस रास्ते में आने वाली परेशानियां हैं, जो उसका पार्ट ऑफ द प्रोसेस है,
इतनी मेहनत कौन करेगा, इतना समय कौन देगा, 7 दिन कौन निकालेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि हमको वो जागृति रूपी फल के प्रति भरोसा नहीं है। हो सकता है अगले 10 साल बाद मैं दिल्ली के और अपने छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारियों को बोलता था कि एक दिन वो आएगा तो शिविर में आने नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने पद का नखरा, क्योंकि सरकार भेजती है इसलिए वो शिविर करते थे। आज लगभग उस स्थिति में हम आ गए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगले 10 साल बाद हो सकता है इन शिविरों के लिए वेटिंग चलेगा। क्योंकि जैसे जैसे फल आता जाएगा, एक समय वो था जब परिवार से एक व्यक्ति आता था, अब पति कभी लौट के जाके पत्नी को समझा सकता है? संभव ही नहीं है। और पत्नी कभी जाके समझा पाएगी? पति तो पहले से समझा हुआ होता है। मेरे को दोनों स्टेटमेंट काउंटर साथ साथ देना आता है, मेरे को पता है आप मेरे को कहाँ पकड़ोगे। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, धीरे से ये हुआ कि लोगों को ये ध्यान में आया कि ये मामला पति पत्नी का है। इसलिए हमारे भी शिविर के पीछे जो आकर्षण है, या हमारा भी इसमें जो ज़्यादा इंटेंसिटी लगाने का मन है या इसको करने का मन है, वो इसी अर्थ में है कि जब दो लोग शादी कर रहे हैं, ये फ्री पार्टिकल को पकड़ते हैं वो जिम्मेदार नहीं होता है। ये जो कॉलेज से फ्री पार्टिकल आते हैं ना, अब ये लोग तो फ्री पार्टिकल नहीं है, क्योंकि इनके पीछे कुछ लोगों ने मेहनत किया है और ये लोग स्वेच्छा से आए। तो ये लोग एक निश्चित, कम से कम इनको पता है कि इस बात की इम्पोर्टेंस क्या है और इसको हमको समझना है। अदरवाइज यदि हम कॉलेज में जाके बात करते हैं तो फ्री पार्टिकल से बात कर रहे हैं, तो वो अभी इतना जिम्मेदार नहीं है, वो सुनने के लिए अभी उस स्थिति में नहीं। तो यदि ये शादीशुदा लोग, ये शादी करने के बाद एक आदमी में एक लेवल की उसको जमीन तो दिख जाती है, शादी करने के बाद और जॉब में आने के बाद में उसको जमीन का अंदाजा लग जाता है कि कहाँ पहुंचा। कॉलेज तक रहते रहते नहीं लगता। तो यदि इस एज में, जब इनकी उम्र 30 प्लस माइनस है, इस एज में यदि इनको समझ में आएगा तो ये अपनी जिंदगी के ब्लॉक बिल्डिंग बनाने में, इनके पास समय है, इनके पास समझने के लिए समय है, इनके बच्चे अभी या तो आए नहीं हैं, आ गए हैं तो अभी छोटे हैं, तो इनको अपनी जिंदगी को रिस्ट्रक्चर करने का टाइम है। तो इसलिए हमको ये लगता है कि यदि ये शादी वाले शिविरों को थोड़ा सा गति मिलेगी, तो ये यंग कपल जिस तरह का आएगा और अभी के बच्चों का जिस तरह का लॉजिकल लेवल है, जिस तरह की उनकी एक्सपोजर है समाज का, सूचनाओं का, बहुत जल्दी ये स्थिति होगी कि आने वाले 3 से 5 साल में इन्हीं में से कुछ लोग निकल आएंगे जो इस शिविर को कंडक्ट करने लगेंगे। जिस दिन ये लोग इस शिविर को कंडक्ट करने लगेंगे उस दिन ये सत्य चीज बन जाएगा। क्यों? गलत सोच रही। यंग जनरेशन में से 35 के नीचे वालों में से कितने लोगों को लगता है कि मैं इस काम को करना चाहूंगा भविष्य में, आगे समझ के, है ना, ये काम करने लायक है? तो ऐसा लगता है कि अभी तक हम सोच रहे थे वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, आएगा कोई तारेगा, अब पता चला कि हमको ही तरना पड़ेगा। और हर घर में से एक आदमी को समझदार होना तो होगा कि सभी को समझदार होना होगा। अब धीरे से यह हो गया है कि पूरी फैमिली शिविरों में आने लगी है, पूरे के पूरे कुटुंब, पूरी फैमिली के 25 लोग एक साथ एक शिविर में। तो ये अब ट्रेंड शुरू हुआ है, अभी कम है, है ना। सूरत में वेणु भाई हैं जिनकी अपनी पूरी फैमिली के जॉइंट फैमिली फ्रेंड्स लगभग 150 लोग शिविर कर चुके हैं, एक ही फैमिली और फ्रेंड्स। दिल्ली में एक फैमिली है, महाजन फैमिली, एक ही फैमिली के कंपनी के, उसकी बेटी जहाँ ब्याही है और वो दामाद और वो सबको पकड़ पकड़ के, अब वो शादी करते ना तो सबको कुछ नहीं, सबका खर्चा हम करेंगे, है ना। अभी हमारी खुशी है तो सबको बुलाया, 3-5 लाख रुपए अपना खर्चा किया, तुम आओ मेहमान जैसा रहो, बढ़िया व्यवस्था, खाओ पियो, शिविर करो, है ना। और जो शिविर के लास्ट में, दिल्ली के शिविर में, महाजन फैमिली के शिविर में 3 घंटे नॉन स्टॉप रोना चला,
बंद ही नहीं हुआ, 3 घंटे नॉनस्टॉप। अब जो भी आए वो तो एक चालू हुआ तो उसके बाद तो लड़ी बम टाइप 3 घंटे पूरा फीडबैक सेशन रोते रोते ही बीता। आप काफी शरारती बढ़िया। तो मेरे को लगता है कि देखो बच्चे हमने आपने पैदा किए हैं, ये भाजपा कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं। हम आप गैर जिम्मेदार लोग हैं, बच्चे पैदा कर करके कांग्रेस भाजपा के भरोसे छोड़ दिए। क्या लगता है स्कूल के भी नहीं है, माँ बाप की जिम्मेदारी। जिस दिन माँ बाप जिम्मेदार हो जाएंगे उस दिन स्कूल जिम्मेदार हो जाएंगे, उस दिन राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार हो जाएंगी, सब जिम्मेदार हो जाएंगे। सबसे पहले माँ बाप को जिम्मेदार होना है, जिन्होंने पैदा किया उनको जिम्मेदार होना। सर वो आप नाश्ते के टेबल पर बैठे थे उसका क्या हुआ? वो टेबल से तो काफी दूर चले गए। और मैंने बता दिया था, मैंने ये शेयर किया कि एक गर्भवती महिला के 9 महीने जिस तरह से उतार चढ़ाव से गुजरते हैं उसके बावजूद भी पूरे परिवार में खुशी का माहौल बना हुआ है, क्योंकि 9 महीने बाद जो फल आने वाला है उसकी निश्चितता है, उसकी खुशी है। हम ये जागृति रूपी रास्ते में अभी निश्चित फल के अभी फल के प्रति निश्चित नहीं हुए हैं। ये जागृति का जो रास्ता है तो इतिहास से लेके आज तक इसके फल के प्रति हमारा आकर्षण है, श्रद्धा है, नमन है, लेकिन इसके फल के प्रति आश्वस्ति नहीं है कि इससे मेरा परिवार सजेगा क्या। क्योंकि फाइनली आप अपने परिवार को सजते हुए देखना चाहते हो, आप अपने परिवार को बेहतर होते हुए देखना चाहते हो। तो जिस दिन हमको ये भरोसा हो जाएगा कि ये इस पूरी प्रक्रिया से मेरा परिवार सजेगा और ये जागृति रूपी फल मेरी जिंदगी में आएगा, उस दिन इसकी प्रक्रिया में जो इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने कहा कि 10 साल बाद इसमें वेटिंग लगी रहेगी, 10 साल बाद वो 6 महीने की वेटिंग लग जाएगी। तो भैया वो जो शादी में इकट्ठा होता है ना, वो रिंग सेरेमनी हल्दी वल्दी वो सब छोड़ के ये 5 दिन का शिविर करने लायक है। नहीं अब तो ये हो गया है, कुछ लोग ऐसा करने लगे हैं कि 7 दिन की शादी करेंगे, 6 दिन का शिविर करेंगे, लास्ट दिन शादी। ऐसा लोग सोचने लगे हैं क्योंकि देखो कितना खर्चा होता है शादी में, इतना खर्चा टाइम का, पैसे का, और फाइनली सब थक के अपने अपने घर लौट जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया बहुत बहुत चार्जिंग हो सकती है। और मैं ये कहता हूँ कि उस शादी के बहाने जो इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, यदि वो रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है, अपनों के साथ तालमेल से चलना, अपनों के साथ हार्मनी से जीने से बड़ा सुकून कुछ नहीं है ना। हम हारे हैं तो अपनों से हारे हैं, ताकत पाएंगे तो अपनों से पाते। और अभी हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम परिवार में एक साथ चल सकते हैं, अभी कॉन्फिडेंस आया नहीं है। धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस आएगा, अभी आशा जग रही है, लेकिन धीरे धीरे जब कुछ परिवार हमको दिखने लगेंगे, कुछ परिवार दिखने लगे हैं, हो सकता है अगला 5 साल और लगेगा, मैक्सिमम अगला 10 साल और लगेगा कि समाज में ये भरोसा हो जाए कि इस बात को समझने से अपना परिवार खड़ा होता है। इसमें तो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना बीजेपी है, ना भाजपा है, ना कांग्रेस है, या सब कुछ साथ है, सब कुछ के साथ है। यदि ऐसी कोई बात मिलेगी जो पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने में की जा सकती है, उतना ही पावरफुली की जा सकती है और उतना ही बढ़िया रिजल्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है, और धीरे से एजुकेशन में ही आ जाएगी तो बात पूरी हो जाएगी। बढ़िया, चलो 2 कदम। ओ टाइम कैसे खिसक जाता है। हाँ ये पेन दिख रहा है, आंख से पेन दिख रहा है, पेन से आंख दिख रहा है, आंख से पेन दिख रहा है। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ,
आंख से पेन दिख रहा है कि नहीं? अरे तो इसमें कुछ तो इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, सिंपल बात है, हाथ उठाओ। अब इसी पेन को आदिवासियों को जाके दिखाएं तो उसको क्या दिखाई देगा? क्या उसको पेन दिखाई देगा? क्या पेन आंख से दिखाई देता है? तो जितने लोगों ने हाथ उठाया इनको आज तक देखना समझ में नहीं आया है? मैंने कंफ्यूज कर दिया कि कंफ्यूज थे ही, आपको पता भी नहीं था? और अच्छा, हो जाते नहीं, थे ही और पता भी नहीं था। बिना मुंह के बोलना, बिना कान के सुनना संभव है क्या? संभव है क्या? हाथ उठाओ। बिना मुंह के बॉडी लैंग्वेज भी नहीं, बिना मुंह के बोलना, बिना कान के सुनना संभव है क्या? नहीं है, हाथ उठाओ। अब कई लोग कंफ्यूज हैं, ये तो बेईमानी बात है ना कि आपको पता, आप हाथ नहीं उठा रहे। आप फंसे हुए तो हो ही हो, है? तो इसका मतलब ये हुआ, एक तो पहले ये समझ में आया कि पेन आंख से दिखाई नहीं देता, तो आंख से कुछ भी दिखाई नहीं देता, ये समझ में आया? आंख से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कैसे? आप घर में रहते हो और कोई सामान दूसरे कमरे से लेके आना है, जब तक वहां पहुंचे भूल गए क्या लेने आया था, फिर दिखाई देता? कुछ दिखाई नहीं देता जबकि वो सामने था। इसका मतलब है आंख के सामने कोई चीज थी लेकिन देखने वाला गायब था, है ना? हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कभी मुझको फोन किया कि मेरे को समझ में आ गया कि जीवन शरीर अलग अलग है। बोले कैसे आया? बोले देखो, मरे हुए आदमी की आंख निकाल के जिंदा आदमी में लगाते हैं, मरे हुए आदमी वो आंख देखती नहीं है, जिंदा आदमी वही आंख देख लेती है, इसका मतलब आंख तो ठीक थी, देखने वाला गायब था। ताली ठीक से बजा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बैठे बैठे मजा आएगा कि नहीं आएगा? मनोरंजन की आवश्यकता पड़ेगी तो अपन मानसिक बेरोजगारी से मुक्त हो जाएंगे। कटोरे से मुक्त होना है, बेरोजगारी से मुक्त होना है, ठीक? चप्पल लाइन चप्पल लाइन में नहीं लगानी है, विचार लाइन में लगाना है। माइंड ढूंढ रही होती हूँ ना तो मुझे नहीं मिलती, दो तीन बार देखती वो नहीं मिलती, बट एक बार मम्मी को बोल दिया मम्मी नहीं मिल रही। अब मम्मी बोलती है अब देख आओ, मैं आई और मिल गई ना तब तू गई, और मम्मी आती है तो वही पे पड़ी होती है वो चीज। फिर तो वो बोलती है आंखें हैं या बटन? घर अब 6 बार किया तब तक यही भूल गए लगाई किसको तक। अब उधर से वो हेलो बोलता है, अब ये भी नहीं पूछ सकते कि तुम कौन हो। तो इसका मतलब है ना, इसलिए एयरपोर्ट पे या कहीं जहां टकराने की संभावना होती है तो वो लिखता है माइंड योर लेग्स। वो ये नहीं लगता कि टांग ठीक से रखो, है ना? माइंड योर लेग्स, है ना? तो कोई आपको कोई चीज नहीं दिख रही है तो क्या बोलते हैं? आंख फाड़ के देखो कि ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। कोई चीज नहीं सुन पा रहे हैं तो क्या बोलते हैं? कान इधर लाओ कि ध्यान से सुनो। तो
तो ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से बोलो, इसका मतलब ध्यान ही सुनता है, ध्यान ही बोलता है ना। तो बिना कान के सुनना, बिना मुंह के बोलना, बिना बॉडी लैंग्वेज के संभव है क्या? तो देखो, आप अपने आप से बात करते हो, सुनाई देता है कि नहीं? आप जवाब देते हो कि नहीं? इसका मतलब कान का उपयोग कब करते हो? दूसरे को सुनना है। मुंह का उपयोग कब करते हो? दूसरे को सुनाना है। मेरे पास अभी कितने माइक हैं? दो। एक बायोलॉजिकल माइक है, एक इलेक्ट्रिकल माइक, बाकी पीछे कंकाल है। जाओ। इससे क्या निकला? मैं ही देखता हूं, मैं ही सुनता हूं, मैं ही बोलता हूं, आवश्यकता अनुसार शरीर का प्रयोग करता। आंख केवल बायोलॉजिकल लेंस है, आंख से नहीं दिखता है। मैं देखता हूं, आंख के माध्यम से देखता हूं, और किसी की आंख नहीं है, जन्मजात ब्लाइंड है, उसको कुछ दिखाई देगा क्या? जिसको जन्मजात ब्लाइंड है उसको कुछ दिखाई देगा क्या? दिखाई देगा क्या? उसको वस्तु में अपने घर का एड्रेस दिख जाएगा, यहाँ से जा अपने घर चले जा, है ना? नहीं दिखेगा ना? हाथ उठाओ। हाँ, देखो आप ही बोलते हो, मैं खा के देखता हूं, इसका मतलब जीभ से दिखता है। मैं सुन के देखता हूं तो कान से भी दिखता है। मैं छू के देखता हूं तो टच से भी दिखता है। और मैं सोच के देखता हूं तो सोचने से भी दिखता है। और देख लूंगा और दिखा दूंगा। तो देखना मतलब समझना, समझना। तो शरीर समझता है कि मैं समझता हूं? तो मैं समझता हूँ, शरीर का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता हूँ। शरीर शुद्ध रूप से स्केल्टन है, उसके ऊपर थोड़ी सी पैकिंग है, ठीक? पैकिंग ही है, किसी की पैकिंग कम है, किसी की पैकिंग थोड़ी ज़्यादा है, किसी की कम है, पैकिंग ही है। तो इसका मतलब है शरीर के माध्यम से मैं ही सुनता हूँ, मैं ही बोलता हूँ, मैं ही देखता हूँ, मैं ही सुखी होता हूँ, मैं ही दुखी होता हूँ। भूख का पता मुझको चलता है, स्वाद का पता मुझको चलता है, अच्छा मुझको लगता है, खराब मुझको लगता है। शरीर कुछ चाहता नहीं, शरीर कुछ बोलता नहीं, शरीर कुछ करता नहीं, है ना? शरीर सुखी नहीं होता, दर्द शरीर में नहीं होता है, है ना? और शरीर सोता है, मैं कभी सोता नहीं। बढ़िया, नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह 8:30। कई लोग सुबह 9 बजे तक आते रहते हैं, तो या तो उनको कन्फ्यूज़न है कि क्लास 9 बजे शुरू होती है, या हमको कन्फ्यूज़न है कि 8:30 बजे शुरू होती है। तो जिसका भी कन्फ्यूज़न हो दूर हो जाए, तो 8:30 है कि 9 है? 8:30, ठीक? 8:30 है? नहीं, आज कल कर। Okay.